नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के एनिमेटेड किरदार को एक दूसरे के साथ डांस करते हुए दिखाया है। जवाब में बीजेपी ने भी ईडी सॉन्ग जारी किया है। कांग्रेस की तरफ से जारी वीडियो में बैकग्राउंड में एक गाना बजाया गया है, हमें तो लूट लिया सॉन्ग पर मशहूर कव्वाली की पैरोडी तैयार की गई है। 2 मिनट 16 सेकंड के वीडियो में नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के कैरेक्टर को गाते हुए दिखाया गया है। साथ ही उनके सामने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के कैरेक्टर को भी दिखाया गया है। छत्तीसगढ़ विशाखापट्टनम रेल रूट पर 4 दिनों से ट्रेनों का आना जाना बंद है। ओडिशा के मनाबार और जर्ती रेलवे स्टेशन के बीच केके को 24 सितंबर को लैंडस्लाइड हो गया। ये मार्ग अब तक बहाल नहीं हो सका है, जिससे 5 से ज्यादा यात्री, ट्रेन और मालगाड़ियां प्रभावित हो गए हैं। 25 से ज्यादा पोकलेन जो की और जेसीबी के जरिए मलबा को हटाए जाने का काम लगातार किया जा रहा है। करीब 300 से ज्यादा मजदूर और कर्मचारी काम पर लगे हुए हैं। आपको बता दें कि अफसरों का दावा है कि मार्ग बहाल होने में अभी भी 2 से 3 दिन का वक्त और लग सकता है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने लोकसभावार, जिलावार और विधानसभावार प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। 11 लोकसभा के लिए 22 और 33 जिलों के लिए 40 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। वहीं 90 विधानसभा के लिए 90 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार रायपुर लोकसभा प्रभारी प्रतिमा चंद्राकर और दीपक दुबे को बनाया गया है। वहीं दुर्ग लोकसभा प्रभारी गिरीश देवागन और जितेंद्र साहू को बनाया गया है। महासमुंद लोकसभा प्रभारी के रूप में दीपक मिश्रा और सकलीन कामदार को बनाया गया है। साथ ही लोकसभा प्रभारी राशिद खान और पीआर खुट्टे को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में दवाओं की कमी को दूर करने के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम को बनाने की तैयारी हो रही है। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों ने राजस्थान का दौरा कर वहां के अस्पतालों में दवा का स्टॉक और मरीजों तक सप्लाई और उपलब्धता के सिस्टम को बारीकी से देखा। उसी आधार पर यहाँ का स्वास्थ्य विभाग 250 से ज्यादा छोटे बड़े सरकारी अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू करने जा रहा। इससे हर वक्त देखा ये जा सकता है कि किस तरह से अस्पताल में कितना स्टॉक है और कितनी सप्लाई की जरूरत और अभी बाकी है। छत्तीसगढ़ की खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।